नमस्कार बच्चों, बेटा पिछली क्लास जो अपनी हुई थी उस पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हम मात्रक पढ़ रहे थे। मात्रक में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो हमने लंबाई के अन्य व्यवहारिक मात्रक पढ़ लिए थे, द्रव्यमान के भी अन्य व्यवहारिक मात्रक पढ़ लिए थे, और समय के भी क्या पढ़ लिए थे? अन्य व्यवहारिक मात्रक पढ़ लिए थे। मतलब हमने लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो दूसरे मात्रक थे वो भी पढ़ लिए थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? तो वो है लंबाई, द्रव्यमान एवं समय का मापन। ये अपना आज का टॉपिक है। क्या क्या है? लंबाई, द्रव्यमान एवं समय का मापन। देखो है क्या, अब तक हम मात्रक पढ़ रहे थे, इनको कैसे कैसे माप, क्या कैसे इनके मात्रक होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इनको मापते कैसे हैं, लंबाई को कैसे मापा जाता है, मापने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, द्रव्यमान को कैसे मापा जाता है और समय को कैसे मापा जाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे इनमें से जो अपना पहला टॉपिक है वो क्या आएगा? लंबाई का मापन। इसमें से जो अपना पहला टॉपिक है वो आएगा लंबाई का मापन। तो लंबाई का बेटा, जैसे देखो हमने पिछली जो क्लास थी इसमें पढ़ा था कि लंबाई के जो अन्य व्यवहारिक मात्रक होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया था। मुख्यतः और दो भाग कौन कौन से थे? पहला तो था छोटी दूरियों के लिए और दूसरा था बड़ी दूरियों के लिए, था कि नहीं था? तो यहां पर भी देखो लंबाई का मापन करेंगे वो कैसे करेंगे? पहले लघु दूरियों, छोटी दूरियों के लिए करेंगे, और फिर बड़ी दूरियों के लिए हम लंबाई का क्या करेंगे? मापन करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें जो पहली हेडिंग आएगी लंबाई के मापन में वो क्या आएगी? लघु दूरियों के लिए। लघु दूरियों के लिए यानी कि छोटी दूरियों के लिए हम लंबाई को कैसे मापते हैं? तो बेटा देखो, छोटी जो दूरियां होती है उनके लिए जो लंबाई होती है वो हमेशा पैमाने से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? पैमाने से मापी जाती है। पैमाने का मतलब क्या होता है? तो पैमाने का मतलब होता है स्केल। तो किससे मापते हो हम? स्केल से मापते हैं, यानी कि पैमाना बोल दो चाहे क्या बोल दो, स्केल बोल दो, से मापी जाती है। तो लघु जो दूरियां होती है वो किससे मापी जाती है? पैमाने या स्केल से मापी जाती है। अब देखो जो तो स्केल होता है वो तीन प्रकार की स्केल काम में लेते हैं छोटी दूरियों के लिए। मैं बात करता हूं सबसे पहले स्केल की, तो पहला होता है मीटर स्केल। कौन सा होता है? मीटर स्केल। जो बेटा हम स्केल यूज में लेते हैं वो हमेशा मीटर स्केल होता है। कौन सा होता है? मीटर स्केल। तो देखो जो हमारा स्केल होता है जो हम यूज में लेते हैं उस स्केल से कम कितना माप सकते हैं? तो देखो बेटा जो स्केल अपने पास होता है इससे हम कम से कम कितना माप सकते हैं? 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर। इतना इससे कम से कम क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया? 10⁻³ मीटर हो गया, और उससे 10⁻² मीटर तक। ठीक है, तो जो मीटर स्केल होता है इससे इसकी रेंज क्या होती है, इसकी सीमा क्या होती है? तो इससे हम 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की दूरी को माप सकते हैं। तो आया समझ में मीटर स्केल क्या होता है? कि मीटर स्केल एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम लंबाई का मापन करते हैं, और लंबाई भी किस रेंज तक की? तो 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की रेंज हम इससे क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। आगे इसके बाद बेटा अगला जो होता है अपने पास वो होता है वर्नियर कैलिपर, या कह दो वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल या कैलिपर एक ही बात है, स्केल को ही क्या बोलते? कैलिपर बोलते। ठीक है, तो देखो वर्नियर स्केल का काम कहां पे आता है? इसमें एक ही स्केल होता है, लेकिन वर्नियर जो स्केल होते हैं उसमें दो पैमाने होते हैं। कितने पैमाने होते हैं? दो पैमाने। ये लगभग किस प्रकार का होता है? तो देखो ये अपने पास एक इस प्रकार का उपकरण होता है,
एक स्केल तो इसका ये होता है और एक स्केल यहां पर होता है बड़ा वाला, जो दूसरा स्केल होता है वो, मतलब इसके अंदर कितने स्केल होते हैं बेटा, तो इसके अंदर दो स्केल होते हैं, ये होता है मुख्य स्केल मुख्य पैमाना और ये होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, तो एक तो मुख्य स्केल होता है और दूसरा कौन सा होता है, वर्नियर स्केल होता है, या कह दो एक तो वर्नियर मुख्य पैमाना होता है और दूसरा कौन सा पैमाना होता है इसमें, वर्नियर पैमाना होता है। और बेटा वर्नियर जो स्केल होता है इसके द्वारा हम कहां तक माप सकते हैं, 10^-4 मीटर तक की दूरियां माप सकते हैं, मतलब वे दूरियां जो सूक्ष्म होती है और उनको हम किससे नहीं माप सकते, मीटर स्केल से नहीं माप सकते, तो उनको किससे मापेंगे, हम वर्नियर स्केल से मापेंगे। उन दूरियों को कैसे मापा जाएगा, वर्नियर स्केल से मापा जाएगा। बड़ा एक और होता है स्क्रू गेज, तीसरा कौन सा होता है, स्क्रू गेज। अब देखो स्क्रू गेज कैसा होता है, तो आपने देखा होगा इस प्रकार का एक उपकरण होता है अपने पास, इस प्रकार का एक उपकरण होता है जिसके द्वारा हम तार की मोटाई को नापते हैं कि तार की मोटाई कितनी है, ये होता है स्क्रू गेज। क्या होता है, स्क्रू गेज, जिसका मुख्यतः उपयोग तार की मोटाई को मापने में किया जाता है। और बेटा स्क्रू गेज के द्वारा हम कितनी दूरी माप सकते हैं, तो इसके द्वारा हम 10^-5 मीटर तक की दूरियों को माप सकते हैं। तो आया समझ में, पहला जो अपने पास था वो था मीटर स्केल सूक्ष्म दूरियों के लिए या लघु दूरियों के लिए। तो मीटर स्केल क्या करता है, वो 10^-3 मीटर से, यानी कि कहो 1 मिलीमीटर से 100 मीटर तक की दूरी को माप सकता है। अगर मान लो इससे छोटी दूरी अपने पास है तो हम किसका उपयोग करते हैं, वर्नियर स्केल का उपयोग करते हैं। वर्नियर स्केल कहां तक की दूरी मापता है, तो ये 10^-4 मीटर तक की दूरियों को क्या करता है, मापता है। अगर मान लो इससे भी छोटी अपने पास दूरी है तो हम किसका उपयोग करते हैं, स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं। और स्क्रू गेज जो होता है वो 10^-5 मीटर तक की दूरियों को माप सकता है। अगर मान लो इससे भी छोटी दूरियां होती है तो वो होती है सूक्ष्म दूरियां, जिसका अभी हम लंबाई का मापन करेंगे। और सूक्ष्म दूरियों के लिए लंबाई के मापन को कैसे किया जाता है बेटा, तो सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। ये जो सूक्ष्म दूरियां होती है उनको हमेशा कैसे मापा जाता है, तो सूक्ष्म दूरियों को हमेशा सूक्ष्मदर्शी से मापा जाता है। ठीक है, ये लघु दूरियों के लिए हमने लंबाई का मापन पढ़ लिया कि लघु दूरियों को मापने के लिए मुख्यतः 3 उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तो मीटर स्केल होता है, दूसरा वर्नियर स्केल होता है और तीसरा कौन सा होता है, स्क्रू गेज होता है। अब बेटा अगला जो अपने पास आएगा वो देखो कौन सा होता है, तो अगली जो आएगा वो आएगा लघु वृत्त दूरियों का मापन। वृत्त का मतलब क्या होता है कि बड़ी दूरियों का मापन हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो बड़ी दूरियों का मापन की बात आएगी तो बड़ी दूरियों के मापन के लिए जो विधि चलती है वो होती है लंबन विधि। कौन सी विधि होती है, लंबन विधि। बड़ी दूरियों में क्या काम में लेते हैं, हम दो ग्रहों के मध्य की दूरी का मापन, कि बड़ी दूरियों का हम मापन कैसे करें, तो बड़ी दूरियों में किसका उपयोग करते हैं, कि दो ग्रह हैं अपने पास, उन दो ग्रहों के बीच की क्या करते हैं, दूरी ज्ञात करते हैं। देखो दो ग्रहों के बीच की दूरियों का मापन किससे किया जाता है, तो बेटा वो किया जाता है लंबन विधि। कौन सी विधि होती है, वो लंबन विधि होती है। देखो समझो कि लंबन विधि से हम दो ग्रहों के बीच की दूरी कैसे मापते हैं, तो बेटा माना यहां पर कोई ग्रह है पी, पी क्या है, कोई ग्रह है और ये अपनी पृथ्वी, पृथ्वी पर एक बिंदु यहां पे हो गया, माना ये है बिंदु ए और दूसरा बिंदु यहां पे हो गया और ये है कौन सा बिंदु, ठीक है, ये दो प्रेक्षक है, बिंदु ए पर भी कोई प्रेक्षक है, प्रेक्षक का मतलब होता है देखने वाला, ठीक है, तो बिंदु ए पर कोई प्रेक्षक है जो किसको देखता है, इस ग्रह को देखता है। तो बेटा जब वो इस ग्रह को देखेगा तो कैसे देखेगा, वो इस ग्रह को ऐसे देखेगा, इस रेखा में सीधी रेखा, ठीक। अब बात करते हैं बी पर कोई व्यक्ति है
वो भी इस ग्रह को देखेगा तो वो इस ग्रह को कैसे देखेगा, ऐसे देखेगा। जब दोनों प्रेक्षक किसी ग्रह को देखते हैं तो होता क्या है बेटा, तो उनके बीच कोण बनता है और ये कोण माना कितना बन गया थीटा। ये जो कोण है प्रेक्षक के द्वारा ग्रह पर बना कोण क्या कहलाता है, लंबन कोण कहलाता है। ये कौन सा कोण है, तो ये अपना लंबन कोण हो गया। ये जो दूरी है ये हमें पता है, क्यों, क्योंकि प्रेक्षक तो पृथ्वी पर स्थित है और पृथ्वी के लिए दूरी माना कितनी है, ये डी दूरी है। कितनी दूरी है ये, डी। और माना ए और पी यानी कि प्रेक्षक और ग्रह के बीच की दूरी एस है, तो पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाओ बेटा, पृथ्वी से ग्रह तो उतनी ही दूरी पर रहेगा, उसमें तो परिवर्तन होने नहीं है कभी, तो ये भी दूरी कितनी होगी एस। मतलब प्रेक्षक से पृथ्वी, वो पृथ्वी से ग्रह की दूरी कितनी है एस। आया समझ में, तो ये लंबन विधि में होता क्या, देखो लंबन विधि में समझने का सबसे आसान तरीका है ये एक लिखा हुआ, ठीक है। अब इस एक की बात करते हैं, इस एक को जब हम देखो एक आंख बंद करते, एक आंख बंद कर अगर इस एक को दिखते तो हमें एक जगह पर दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, इस वाली आंख को बंद कर देंगे और दूसरी से देखेंगे तो देखो इस एक की स्थिति हमें बदलती हुई दिखाई देगी। करके देखना कि जब इससे देखोगे कि जिस चीज को तो इस जगह दिखाई दिया और इससे करने पर थोड़ा सा दूर दिखाई देगा। मतलब जब एक ही वस्तु को हम दोनों आंखों से देखते हैं तो उनके बीच में हमें क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है, वो हिलता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में थोड़ी हिलता है, वो तो अपनी जगह पर फिक्स है। कोई भी स्थिर वस्तु होगी वो हमेशा अपनी जगह पर कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन जब हम एक आंख से उसको देखते और एक आंख हटाकर दूसरी आंख से उसको देखते हैं तो हमें उसकी स्थिति में क्या दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है। जो उसकी स्थिति में ये परिवर्तन है ये किसके कारण होता है बेटा, हमारी आंखों के बीच का जो गैप होता है, देखो ये जो गैप है ना आंखों के बीच का, इस गैप के कारण हमें उसकी स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। और ये गैप क्या है, इस गैप की सहायता से ही वो स्थिति हमें पता चलती है, दूरी हमें पता चलती है, क्योंकि आंखों के बीच का गैप हमें पता है और ये ही विस्थापन होता है, लंबन विधि यही होती है। तो यहाँ पर भी एक प्रेक्षक पृथ्वी पर था उससे ग्रह को देखा, दूसरा प्रेक्षक पृथ्वी पर था उससे ग्रह को देखा, मतलब एक आंख से ग्रह को देखा दूसरी आंख से ग्रह को देखा और दोनों आंखों के द्वारा ग्रह पर जो कोण बना वो कौन सा कोण हो गया, लंबन कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, वो लंबन कोण हो गया बेटा। हमने देखो दसवीं क्लास तक पढ़ा है कि अगर अपने पास यहां पर कोण पता है, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोण बराबर क्या होता है बेटा, वो होता है चाप अपोन में त्रिज्या। यहां पर कोण कितना है, लंबन कोण है थीटा बराबर चाप। देखो ये दूरी अल्प है, देखो ग्रह जो होता है वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है कि नहीं, पृथ्वी से बहुत दूर है, तो ये जो कोण होता है ये बहुत छोटा कोण होता है, एक डिग्री से भी कम का कोण बनता है, जो बीच का कोण बनता है। तो ऐसी स्थिति में देखो ये जो दूरी होगी ये चाप के रूप में काम आएगी, मतलब चाप हो गई ए बी और त्रिज्या अच्छा करे तो ले लो एपी ले लो चाहे बीपी ले लो, बात एक ही, तो त्रिज्या हो गई ए। यहां पर क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा ए बी का मान कितना है डी, या कह दो बेस ले रहे हैं तो बेस को बी से ले लो, बेस क्या ले लो यहां पे बी, आधार है तो आधार हमने बी ले लिया, बी अपोन में एस, ठीक है। यहां पर देखो बी अपोन में एस जो है बेटा, बी अपोन में एस का जो मान है वो एक से बहुत छोटा होता है। कैसा होता है, एक से बहुत छोटा होता है, और जब ये मान एक से छोटा है तो थीटा का मान भी क्या आएगा, ये भी एक से बहुत कम होता है, एक डिग्री से कैसा होता है, कम होता है। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, दो ग्रहों के बीच की दूरी, तो यहां पर देखो दूरी दो ग्रहों के बीच की कितनी है एस, तो एस का मान निकालो बेटा, एस का मान क्या आएगा, तो ये आएगा बी अपोन में थीटा, यानी कि जो आधार है यानी कि दो प्रेक्षकों के बीच की जो दूरी है पृथ्वी की वो, और जो दोनों प्रेक्षकों के द्वारा ग्रह पर कोण बना है वो, अगर हमें इन दोनों का मान पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, दो ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और बेटा यही कौन सी विधि होती है, लंबन विधि होती है। लंबन विधि से हम किस प्रकार दो ग्रहों के बीच की दूरी निकालते हैं हमने समझ लिया कि क्या करते हैं, जिस ग्रह की हमें दूरी निकालनी है उसकी, जिससे दूरी निकालनी है, जिस ग्रह से दूरी निकालनी है उस ग्रह पर दो प्रेक्षक ले लेते, दोनों प्रेक्षकों से उस ग्रह को देखते हैं तो दोनों प्रेक्षक उस ग्रह पर एक कोण बनाते हैं थीटा, उस कोण की सहायता से हम क्या निकाल देते हैं, दोनों ग्रहों के बीच की दूरी निकाल देते हैं।
अब देखो अगला क्या है अपने पास, इसी के अंदर होता है कोणीय व्यास का निर्धारण, लंबन विधि के अंदर ही है। दूसरा टॉपिक है कोणीय व्यास का निर्धारण। अब देखो कोणीय व्यास का निर्धारण इसका मतलब क्या है कि ये तो बेटा दो ग्रहों के बीच की हमने दूरी निकाल दी, लेकिन हम लंबन विधि से क्या कर सकते हैं, व्यास भी निकाल सकते हैं। किसी ग्रह का क्या निकाल सकते हैं, व्यास भी निकाल सकते हैं। तो इसी का जो दूसरा टॉपिक अपने पास है वो क्या है, तो वो है कोणीय व्यास का निर्धारण। अब देखो कोणीय व्यास का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो कोणीय व्यास का निर्धारण देखो बेटा कैसे होगा भाई, माना है ये अपने पास कोई चंद्रमा, क्या है ये अपने पास चंद्रमा, और इस चंद्रमा का जो व्यास है वो ये हो गया डी डायमीटर, मतलब क्या हो गया व्यास हो गया ना। अब देखो यहां से भाई माना ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये कोई बिंदु है पी, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी। जब हम इस पी बिंदु से पृथ्वी से चंद्रमा के सिरे को देखते हैं, तो चंद्रमा हमें इस तरफ देखोगे तो ये सिरा दिखाई देगा चंद्रमा का, पी बिंदु से इस तरफ देखोगे तो कौन सा दिखाई देगा, ये वाला सिरा दिखाई देगा। और दोनों कहां से दिखेंगे, बिंदु पी से, मतलब जब हम चंद्रमा को पृथ्वी से देखेंगे तो हमें पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, उसके दोनों सिरे दिखाई देंगे, तो उनके दोनों सिरों से आंख पर अपने पास क्या बनेगा, एक कोण बनेगा, पूरा सिरा है उससे आंख पर क्या बनेगा कोण बनेगा। और माना ये कोण कितना है अल्फा, कितना कोण है ये अल्फा, ये तो हमने पढ़ा है मानव नेत्र पर जब भी कोण बनता है कोण के कारण ही प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब के कारण ही हमें कुछ दिखाई देता है, ये कोण होता है दृष्टिकोण, कौन सा कोण होता है दृष्टिकोण। तो यहां पर कोण बना है कितना अल्फा, माना ये जो दूरी है ये कितनी है एस, ठीक है। अब हमें व्यास निकालना है चंद्रमा का व्यास, देखो कैसे निकलेगा, तो चंद्रमा का व्यास निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, कोण बराबर क्या होता है अपने पास, तो कोण बराबर होता है चाप अपॉन में त्रिज्या, ठीक है। कोण का मान कितना है अल्फा, चाप, देखो बेटा ये तो त्रिज्या रही, चाप कितनी होगी ये वाली, छोटी दूरी पर चंद्रमा यहां से बहुत दूर है तो छोटा दिखेगा हमें, और अपॉन में त्रिज्या कितनी है, ये होता है कोणीय व्यास। देखो कोण के रूप में जो व्यास आएगा वो कौन सा होगा, कोणीय व्यास होगा। तो इस प्रकार से हम कोणीय व्यास निकालते हैं, किसका, कोणीय व्यास का निर्धारण। अगर हमें यहां पर व्यास निकालना है चंद्रमा का व्यास, तो क्या हो जाएगा, डी का मान निकाल दो, क्या आएगा अल्फा एस, यानी कि डायमीटर ये आ गया चंद्रमा का व्यास। अगर चंद्रमा का कोणीय व्यास निकालना है तो हम यहां से निकाल सकते हैं, और चंद्रमा का व्यास निकालना है तो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं चंद्रमा हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी उपग्रह हो जिसका व्यास निकाला जाए, तो व्यास किससे निकाल सकते हो, लंबन विधि से हम उसका व्यास निकाल सकते हैं। और लंबन विधि से इसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं, तो लंबन विधि से इसके अलावा हम दो ग्रहों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो बेटा लंबाई के मापन में आज हमने क्या पढ़ा है, तो लंबाई के मापन में आज हमने पढ़ा है कि अगर लघु दूरियां हैं, छोटी दूरियां हैं, तो उनके लिए किसका उपयोग किया जाता है मापने के लिए, पैमाने का उपयोग किया जाता है। और पैमाने आज हमने कितने पढ़े हैं, तो पैमाने आज हमने तीन पढ़े, कौन कौन से, मीटर स्केल, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज। मीटर स्केल क्या करता है, वो कम से कम 10^-3 मीटर तक की दूरी माप सकता है, अगर इससे ज्यादा हमें मापनी है तो किसका उपयोग करेंगे, वर्नियर कैलिपर का उपयोग करेंगे, जो क्या करता है 10^-4 मीटर तक की दूरी को माप सकता है। अगर इससे भी छोटी दूरी हमें मापनी है तो हम किसका उपयोग करेंगे, स्क्रू गेज का उपयोग करेंगे, जो कहां तक माप सकता है 10^-5 मीटर तक की दूरी को वो माप सकता है। अब जब बड़ी दूरियों की बात की गई तो बड़ी दूरियों को मापने के लिए किसका उपयोग किया गया था, लंबन विधि का उपयोग किया गया था। लंबन विधि में क्या करते हैं कि जो अपने पास जहां की जिस ग्रह की हमें दूरी निकालनी है उस ग्रह को एक प्रेक्षक से देखते हैं, फिर दूसरी जगह से देखते हैं, दोनों जगह के बीच की दूरी हमें पता होती है, दोनों जगह से देखने पर ग्रह पर एक कोण बनता है जो कि लंबन कोण होता है। और यहां पर कोण, उस कोण की सहायता से हम दो ग्रहों के बीच की क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम उसके कोणीय व्यास का क्या कर सकते हैं, निर्धारण भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो और भी अगर छोटी दूरी है, सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे करते हैं, तो सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए बेटा हमेशा सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार की होती है और उनसे कैसे कैसे मापा जाता है, ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।